हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पिंकी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल ऑरेंज डिलाइट की रेसिपी। ये दिखने में जितनी प्यारी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ 2 बड़े चम्मच घी। पूरी मिठाई में हम बस 2 चम्मच घी का ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप सूजी। यहाँ सूजी को मैंने मिक्सर में चलाकर उसका पाउडर बना लिया था, उसी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप भी नॉर्मल जो सूजी यूज़ करते हैं उसे एक बार मिक्सर में चला लें और फिर आप उसका एक पाउडर बना लें। अब इसे हम लो फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट बस भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो देखिए, 3 मिनट भूनने के बाद ये ऐसी हो गई है, खिली खिली। अब इसे हम एक प्लेट पर अलग से निकाल लेते हैं। इस भुनी हुई सूजी को अभी मैं साइड पर रख देती हूँ और उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 3/4 कप के करीब चीनी, यानी 1 कप से थोड़ी सी कम। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। मेजरमेंट के लिए आप जो भी कप या कटोरी सेट कर रहे हैं, सारा मेजरमेंट फिर आप उसी से करिएगा। अब चीनी को घुलने तक हम ऐसे चलाते हुए पका लेंगे। चीनी हमारी घुल चुकी है, लेकिन देखिए चाशनी अभी हमारी नहीं बनी है, अभी ये बिल्कुल पतली है। तो हल्की सी हम इसे और कुक करते हैं। और देखिए, चाशनी हमारी बन चुकी है और हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। इस तरह से हमें ड्रॉप गिर रहा है, देखिए इससे आपको पता चलेगा, या आप छू कर देखिए, आपको स्टिकी सा फील होना चाहिए। तार बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो चाशनी हमारी बन चुकी है। अब मैंने यहाँ फ्लेम को लो कर दिया है और जो हमने सूजी भून करके रखी थी वो हम इसमें डाल देते हैं। एक बार में पूरी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बाकी की भी हम डाल देते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और देखिए, तुरंत ही हमारा मिक्स गाढ़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि सूजी की टेंडेंसी होती है कि ये पानी बहुत एब्जॉर्ब करती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मिलाते वक्त परेशानी आए तो आप गैस की फ्लेम यहाँ बंद कर दें। और बहुत जल्द आप देखिएगा कि हमारा मिक्स गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, मिल्क पाउडर को भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसी स्टेज पर यहाँ मैं डाल रही हूँ 4 बूंदें केवड़ा एसेंस की। आप चाहें तो यहाँ ऑरेंज एसेंस यूज़ कर सकते हैं या आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा कलर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ केसरी फूड कलर, तभी तो हमारी मिठाई बिल्कुल ऑरेंज जैसी लगेगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ बिल्कुल लो है और हम इसे हल्का सा और कुक करेंगे ताकि ये पैन छोड़ने लग जाए। इसे बिल्कुल भी आप छोड़िएगा नहीं, लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगी। तो देखिए, मिक्स हमारा लगभग बिल्कुल तैयार है। ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा होगा। तो अभी हम इस गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए, मिक्स यहाँ हल्का ठंडा हो गया है। ज़्यादा भी ठंडा हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमें शेप देने में परेशानी आएगी। अब यहाँ मैं एक आंवले के साइज़ की बॉल ले रही हूँ और यहाँ हाथों को मैंने हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस किया है। पहले हम गोल बनाएंगे इस तरह से, फिर ऊपर से हम हल्का सा प्रेस कर देंगे, जैसे कि संतरा होता है, ठीक उसी तरह से। अब एक चम्मच लेकर हम इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइंस बना देते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और दिखने में भी ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। देखिए कितना प्यारा लुक आया है हमारी मिठाई का, लग रही है ना बिल्कुल संतरे जैसी। अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ मैंने बादाम काट कर लिया है, इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देते हैं। तो ये बन गई हमारे ऑरेंज की डंडी। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेते हैं। छोटी सी बॉल लेंगे हम, जितनी बड़ी हमें मिठाई बनानी है। इसे राउंड करेंगे, हल्का सा हम ऊपर से प्रेस कर देंगे।
अब चम्मच या अगर आपको चाकू से आसानी आती है तो आप चाकू से करिए। इस तरह से हम डिज़ाइंस बना लेते हैं। तो देखिए बहुत ही झटपट हमारी मिठाई बन करके तैयार हो गई। और लीजिए यहाँ सारी मिठाई मेरी बन करके तैयार है और इसके ऊपर मैंने थोड़े से सिल्वर बॉल्स डाले हैं जो देखने में और भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो इस दिवाली आप भी इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें और आपकी मिठाई कैसी बनी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी ये थोड़ी सॉफ्ट है तो ठंडी होने के बाद ये अपना शेप अच्छे से होल्ड कर लेंगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।